अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में यू विल लर्न अबाउट क्लासिफिकेशन और कैटेगरीज ऑफ रिसर्च। वैसे तो रिसर्च की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की रिसर्चेज होती हैं जो हर रिसर्चर अपने टॉपिक और अपनी नीड के अकॉर्डिंग चूज़ कर रहा होता है। बट इस वीडियो में हम दो ब्रॉड कैटेगरीज बात करेंगे रिसर्च की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप एप्लीकेशन के हवाले से बात करें तो एप्लीकेशन के हवाले से रिसर्च की दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिनके नेम्स हैं प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च। तो इस वीडियो में हम ब्रीफली प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्योर रिसर्च की अगर बात की जाए, सो इट इन्वॉल्व्स डिवेलपिंग एंड टेस्टिंग ऑफ थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस दैट आर इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग टू द रिसर्चर बट मे और मे नॉट हैव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एट द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर। जो प्योर रिसर्च होती है, इसमें बेसिकली आप थ्योरीज और हाइपोथेसिस को डिवेलप कर रहे होते हैं और उनको टेस्ट कर रहे होते हैं। ये बात तो आप जानते हैं कि हाइपोथेसिस को इंसान बार बार टेस्ट करता है, रिसर्चर बार बार टेस्ट करता है और उसके बाद फिर वो थ्योरी तक पहुंच जाता है, थ्योरी बना लेता है या अपने रिजल्ट्स को ड्रॉ कर लेता है। तो बेसिकली प्योर रिसर्च का मतलब ही यही है कि इसमें आप डिवेलप कर रहे होते हैं। जैसे आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, उसमें से आपको कुछ वेरिएबल्स मिले, आपने अपने टॉपिक के हिसाब से उनको हाइपोथेसिस में चेंज कर दिया, हाइपोथेसिस डिवेलप कर दिए, फिर उनको टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, थ्योरीज डिवेलप करना स्टार्ट कर दी। तो बेसिकली प्योर रिसर्च में हाइपोथेसिस एंड थ्योरी की डेवलपमेंट और टेस्टिंग हो रही होती है। एप्लीकेशन की बात आप बाद में करते हैं, पहले यहाँ पर बेसिकली आप डेवलपमेंट की बात करते हैं। द नॉलेज प्रोड्यूस्ड थ्रू प्योर रिसर्च इज सॉट इन ऑर्डर टू ऐड टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ रिसर्च मेथड्स। और बेसिकली प्योर रिसर्च के थ्रू आप जो भी नॉलेज डिस्कवर करते हैं, आप जो भी इल्म दरियाफ्त करते हैं, वो आपकी एग्जिस्टिंग रिसर्च के अंदर मजीद एडिशन करता है। मिसाल के तौर पर मैंने एक टॉपिक चूज किया, फॉर इंस्टेंस डिवोर्स के कॉजेस के पीछे मैंने कोई टॉपिक सेलेक्ट कर लिया। अब मुझसे पहले और लोगों ने भी इस पे काम किया होगा, तो जो काम मैं करूँगी, यानी जो मेरी प्योर रिसर्च होगी, जो मैं हाइपोथेसिस एंड थ्योरी डेवलप कर रही होंगी, वो पीछे की जो रिसर्चेज हैं जो मुझसे पहले इसी टॉपिक पे रिसर्च हो चुकी है, उनमें मजीद एडिशन होगा। यानी जितनी प्योर रिसर्चेज होती जाती हैं, लोग लिटरेचर रिव्यू करने के बाद नया नॉलेज डिस्कवर करते हैं, नए हाइपोथेसिस या थ्योरीज डेवलप करते हैं और उनको टेस्ट करते हैं और उसके बाद उनको रिपोर्ट करते हैं, तो इस तरह एक ही टॉपिक के हवाले से बहुत सारी रिसर्चेज आती जाती हैं और नॉलेज ऐड होता जाता है। तो ये थी आपकी प्योर रिसर्च, जिसमें बेसिकली आप डेवलपमेंट और टेस्टिंग कर रहे होते हैं हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज की और आप मजीद नॉलेज को ऐड कर रहे होते हैं रिसर्चेज में। अगर आप अप्लाइड रिसर्च की बात करें, सो अप्लाइड रिसर्च का मकसद होता है सॉल्व स्पेसिफिक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फॉर पॉलिसी फॉर्मेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फिनोमेना। एप्लीकेशन, अप्लाइड का वर्ड ही एप्लीकेशन से निकला है, यानी यहाँ पर आप सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ जाते हैं। जैसे पॉलिसी फॉर्मेशन में क्या चाहिए, जैसे किसी फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या चाहिए, तो इस तरह की तमाम चीज़ें जहां आप प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो वो अप्लाइड रिसर्च होती है, जिसमें आप सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। जैसे प्योर में आपने जस्ट एग्जिस्टिंग नॉलेज को ऐड किया, आपने सिनेरियो बता दिया, अप्लाइड में आप सिनेरियो को सॉल्व करने की तरफ जा रहे होते हैं, फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने की तरफ जा रहे होते हैं। अप्लाइड रिसर्चेस एक्सप्लेनेटरी भी हो सकती हैं, एक्सप्लोरेटरी भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये डिस्क्रिप्टिव होती हैं और इनकी जो बेस होती है वो बेस प्योर रिसर्च ही बनती है। किस तरह से, देखें, प्योर रिसर्च आपने ली, यानी जो नॉलेज था वो आपने लिया और उसके बाद आपने उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया ना, तो बेसिक आपकी क्या हो गई, बेसिस जो आपकी बनी अप्लाइड रिसर्च की, वो बेसिक या फिर प्योर रिसर्च बनती है। और ये थियोरेटिकल इन नेचर होती है, इसमें भी अगेन न्यू डिस्कवरीज और न्यू नॉलेज एडअप होता है। और जो अप्लाइड रिसर्च है, ये ग्रुप एंड स्टडीज़ के बियॉन्ड जाती है और इसके ज़रिए आप इश्यूज़ को जनरलाइज कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे मैंने एक फिनोमिना के बारे में अंडरस्टैंड किया और फिर मैंने उसको ओवरऑल जितनी भी पॉपुलेशन है उसके ऊपर जनरलाइज कर दिया कि ऐसा फिनोमिना होता है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में या इस पर्टिकुलर सोसाइटी में या ऐसी सिचुएशंस के अंदर। तो ये थी आपकी दो ब्रॉड कैटेगरीज एप्लीकेशन के हवाले से प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।